बिना छुंचीरे शिशु को दिया कोविड टीका छोटो छुआ माने इंजेक्शन नेबा को डरुथिबारु सेमन को फार्मा देव टेक्नोलॉजी माध्यम रे टीका दिया जिबा नै प्रस्तुति चलाइछन्ति केंद्र सरकार एनी समस्त राज्यर स्वास्थ्य अधिकारी मानकु केंद्र सरकार को पक्षरु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे दिया जायछि स्वतंत्र ट्रेनिंग देशरे 100% टीकाकरण करबाकु केंद्र सरकार को योजना परे आरंभ होईछि एही प्रयास विशेषकर 12-18 वर्ष शिशु को जाइकोव डी टीका जहाँ को बीसीसीआई अनुमति देखते से वैक्सीन दिजा नहीं प्रस्तुति आरंभ हो खूब शीघ्र आसब स्वतंत्र एसओपी एवं से ही अनुसार टीकाकरण कराइबी सूचना देखते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निर्देशक केवल आमर दुईट टीका एप्रुवाल हो गोटे हूँ आम जाइकोव डी जोटा डीसीजीआई अनुमति देखते 12-18 वर्ष पाई एवं कोवैक्सीन जोटा कि आम सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी केवल रिकमेंड कर डीसीजीआई को डीसीजीआई ताकू एग्जामिन करी एप्रूव करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आमको निर्देश आसीबो तापरे आमे टीकाकरण केमिति करिवु तार प्लान करिकरी आमर प्रोग्राम आरंभ करिवु सेबडे राज्य रे संक्रमण स्थिति नै डीएमटी सीबीके महांती कहिसेंती सरी आसुचि द्वितीय लहर प्राय शेष पर्याय रे पहुंचिलाणी कोविड सचेतन न रहिले तृतीय लहर को आमंत्रण करबा भली हेबो महाराष्ट्र रे पुणी एक वेरिएंट चिन्हट होईछि तापरे परीक्षा निरीक्षा चलती तेणु भयभीत होबार किछि नै बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षर कहा जाइछि समस्त वर्तमान कहते आम प्राय द्वितीय लहर शेष पर्यायर आम भारत में पहुँच आसुचु आपण मैंने देखुंत गला कितनी दिन धरी केस धरिकी से कमिक गोटे स्तर में रही जाइए आहरी स्लोली बर्तमान कमुच कह गले निर्दिष्ट स्तर रही तेणु आम प्राय शेष पर्यायर पहुँचुचु एतिक बेले जदि आम समस्त सतर्कतामूलक पदक्षेप न नवा तृतीय लहरटा को आमंत्रण करवा छड़ा अन्य विकल्प ना बर्तमान सुधा ओडिशा 3,50,00,000 डोज टीका दिया सरी 2,47,00,000 प्रथम डोज अर्थात 78% एवं 1,03,00,000 द्वितीय डोज अर्थात 33% दिया सरी एवं राज्य में 830 टीकाकरण केन्द्र में टीकाकरण चलता बेले शिशु मानक अधिक टीकाकरण केन्द्र खोल वर्तमान राज्य में 24,00,000 टीका महजूद अच्छी भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांत रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।